हरे कृष्ण श्री राधे राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ सो तेरो आदि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा दोनों कोई पता नहीं चल रहा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज Yeah.
Hare Rama, Hare Rama.
कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनाया तदधाम वृंदावन राम्या काचिदुपाशना ब्रजवधो ब्रकेनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाण ममानम् प्रेमापुमर श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरे
वंशी विभूषित करा पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने दिनामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदृशे नमः पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री आशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरे पीछे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं आप लोग भी बोलिए नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरे नष्प्रायेषु भद्रेषु नष्प्रायेषु भद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी हरे कृष्ण हरे कृष्ण थोड़ा ध्यान रखना तो सोच के दरबार को श्रीमद् भागवत कथा के इस दूसरे दिवस में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। भक्तों, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब हमारे करोड़ों जन्मों का पुण्य एक साथ उदित होता है, हमारे करोड़ों जन्मों का पुण्य एक साथ उदित होता है, कहते भाग्य उदयेन बहु जन्म समाजितेन सत्संगम च लभ्यते पुरुषः यदा वेद्यः। भक्तो, ये भागवत जो है ना, सबके सुनने की बस की बात नहीं है। क्या कर रहे हैं देखो, थोड़ा देखिए बच्चे लोगों को शांत। 10 तो आदमी है, आदमी है क्या आपके गांव में? दो चार। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस गांव की रीति उल्टा है क्या? गांव में शादी करके बेटियों को विदा करते हैं, आप लोग बेटे को विदा करते हैं क्या? लड़के दिखते नहीं है गांव। मेरी पहली कथा होगी जहाँ पे केवल बुजुर्ग आ रहे हैं, लड़के आ ही नहीं रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा कोई रीत है क्या कि लड़के को शादी ब्याह करके विदा कर देते हैं आप लोग? बच्चियां तो आ रही है, लड़के नहीं आ रहे। पता नहीं, गांव गांव में कभी कभी नियम चेंज हो जाता है, अगर होता हो तो। मैं खाली एज्यूम कर रहा था। तो कहते हैं भक्तों, भागवत सुनना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है भागवत सुनना। हम देखते हैं कुछ लोग बहुत दूर दूर से आकर के भागवत सुन लेते हैं, और कुछ लोग यही बाजू में रहने वाला नहीं सुन रहा है, कुछ लोग यही बाजू में रहने वाला नहीं सुन पा रहा है। कभी कभी कुछ लोग टीका करते हैं, अरे वो मेरा बाजू वाला नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे वो नहीं आ सकता है, ध्यान रखना, वो आ ही नहीं सकता इस कथा पंडाल में, क्यों? स्वीकृति ही नहीं है, पूर्व की कुछ स्वीकृति ही नहीं। देखिए, इस कथा पंडाल में आने के लिए ना स्वीकृति चाहिए। कोई भी येरू गेरू नथु फेरू नहीं आ सकता इस कथा पंडाल में आने के लिए। जैसे कल तो बताया कि हीरे के शोरूम में कौन जाता है? जिसमें दम होता है, जो पैसे वाले होते हैं। साइकिल के शोरूम में तो सब जाते हैं, लेकिन बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज खरीदने के लिए कितने लोग जाते हैं? बहुत कम लोग जाते हैं। तो जिसमें दम है ना, वही है कथा पंडाल में आ सकता है, सब लोग आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि इस कथा परिसर में आने के लिए, इस कथा पंडाल में आने चाहिए, आने के लिए क्या चाहिए? भाग्य चाहिए, सुकृति चाहिए, पुण्य चाहिए, पुण्य चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, भाग्यो उदयेन, भाग्यों का जब उदय होता है
और कौन से भाग्य का? तो कहते हैं एक दो नहीं, कोटि जन्मेन सुकृतेन लभते। कोटि मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, क्या होता है कोटि मतलब? जब करोड़ों जन्मों का भाग्य, पूर्व के करोड़ों करोड़ों जन्मों का भाग्य, ध्यान रखिए एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, जब हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों का भाग्य उदित होता है ना भक्तों, तब जाकर के सुकृतेन लभते, तब हम भाग्यशाली बनते हैं और भगवान की इस कथा का श्रवण कर पाते हैं, अन्यथा सबके बस की बात नहीं। और हमारे पितरों की पुनाई और हमारे करोड़ों जन्मों का पुण्य जब एक साथ एकत्रित होते हैं, उदित होता है, तब होता है। कुछ लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं, चलो सुना जाए, देखते हैं, बुलाया है किसको, बुलाया थोड़ा देख के आए, जैसे जैसे आ जाते हैं इत्तफाक से। लेकिन भक्तों ये इत्तफाक नहीं है, भाग्यो उदेन बहु जन्मा समाजी देना। बहुत भाग्यों का उदय होने के बाद ही कोई व्यक्ति सत्संगम च लभ्यते पुरुषः यदावेत, तब मनुष्य को किसी संत का संग होता है, तब मनुष्य को किसी संत की संगति प्राप्त होती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है क्या, संसार दावा नलली ढलोगा। यह संसार क्या है? दावा अग्नि की तरह जल रहा है। आप लोग दावा अग्नि जानते हैं? दावा अग्नि किसको कहते हैं? जंगल होता है, जंगल जंगल में अग्नि लगती है, और जंगल में जब अग्नि लगती है ना भक्तों, तब चारों ओर से अग्नि लगती है और धू 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 करके वह क्या होता है, जलने लगता है, धू धू करके जलने लगता है। और जंगल के भीतर रह रहे जीव तिलमिला उठते हैं। और ध्यान रखिए उस आग को कोई लगाने के लिए नहीं आता, स्वयं से वह आग लग जाती है। वो जंगल के जंगल में रहने वाले जीव तिलमिला उठते हैं, उसकी उसका मन होता है कि यहां से भागें भागें, लेकिन जिधर जाए चारों तरफ केवल और केवल आग, केवल और केवल आग, सब जगह आग ही आग दिखता है। उसी तरह अगर हम अपने जीवन में देखें ना, अपने जीवन में देखें तो केवल और केवल दुख ही दुख। क्या मैं आप लोगों से चैलेंज करके पूछता हूँ, जीवन की एक ऐसा दिन गिना दीजिएगा जब आपको दुख नहीं हुआ हो, एक ऐसा दिन। आप लोग बुजुर्ग है ना बाबा, गिना देना मुझे जीवन का एक दिन बता देना कि हाँ भाई मैं मेरे जीवन के इस दिन बहुत खुश था। हो सकता है वो शादी वाला दिन हो, उसको छोड़ देना, शादी वाले के दिन बड़े बड़े सब लोग हीरो समझते हैं अपने आप को, लेकिन बाद में तो पता चल जाता है कि भाई हीरो नहीं, ये तो जीरो बनाने का प्लान था। तो हमारे जीवन में रोज दुख है, रोज है। और ये दुख को ना कोई लगाने नहीं आया है, हम अपने से ही लगाए हैं इस दुख को, और उस दुख को हम खुद से मिटा भी नहीं सकते, उस दुख को हम खुद से मिटा भी नहीं सकते। कैसे मिटेगा ये दुख? जैसे जंगल में आग लगी है, जंगल के आग को कोई बुझा नहीं सकता, फायर ब्रिगेड वाले बुझा सकते क्या? नहीं बुझा सकते। हेलीकॉप्टर ले जाकर के ऊपर से बारिश करो फिर भी नहीं बुझा सकते, क्या उपाय है बताओ थोड़ा आप लोग, कैसे बुझेगा वह जंगल का आग, बताओ बताओ। आप लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, काफी एक्सपीरियंस होगा, बताइए कैसे बुझेगा जंगल का आग। पंडित जी बताइए कैसे बुझेगा वह जंगल का आग, जब उस जंगल के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए और उस जंगल के ऊपर बादल जम जाए।
और भगवान की कृपा से झमाझम बारिश हो जाए ना तो वह आग बुझ जाएगी। वैसे ही हमारे जीवन में बहुत आग लगी हुई है, बहुत बड़ी आग लगी हुई है, अगर उस आग को बुझाना है ना, कैसे बुझेगा? हम खुद से नहीं बुझा सकते। कैसे कैसे बुझेगी वह आग? कहते हैं कि अगर संतों की कृपा हो जाए, साधु संतों की कृपा हो जाए और हमारे गांव में संतों का जमावड़ा लग जाए और भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से सत्संग हो जाए, भागवत हो जाए, तो वह आग जो हमारा दुख जल रहा है ना, वह आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। खुद से नहीं बुझा सकते। हम जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेते रहते हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं। इसलिए तो श्री पाद शंकराचार्य ने कहा, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम वाला व्यक्ति कब तक सवेरे सवेरे उठ करके बकरी को चराए? मूड मते वाला व्यक्ति कब तक उठ करके सवेरे सवेरे महुआ चुनने जाए? मूड मते वाला व्यक्ति कब तक सवेरे सवेरे उठ करके नाती पोते को खिलाएगा? मरते समय ध्यान रखना, ये नाती पोता और महुआ तुझे नहीं बचाने वाला है। ताली बजाते हुए अरे अभी तो गोविंद का भजन करो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, ताली बजाते हुए गोविंदम, भज मूढ़ मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम, भज मूढ़ मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम, भज सुंदर कथा है। बच्चों, काशी में एक व्यक्ति बैठा था और बुजुर्ग हो गया। एक ब्राह्मण, एक पंडित बैठा था और बुजुर्ग हो चुका था और सोचा, क्या सोचा? अरे मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बचपन में मुझे खिला, बुढ़ापे में मेरी देखभाल कौन करेगा?
मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं कहाँ से एक काम करता हूँ, मैं संस्कृत सीख लेता हूँ, बच्चों को संस्कृत सिखाऊंगा और जीवन आगे, और वह संस्कृत के ग्रामर याद करने लगा। क्या डुक्रिम करने, डुक्रिम करने, डुक्रिम करने, एक संस्कृत का ग्रामर याद करने लगा। क्या डुक्रिम करने, डुक्रिम करने, डुक्रिम करने। उसी समय कहते हैं कि उसी समय वहां से शंकराचार्य जा रहे थे, उसी समय उस स्थान से शंकराचार्य जा रहे थे, और शंकराचार्य ने जब उसे देखा कि यह पागलों की तरह महुआ चुन रहा है, जय हो, लड़ाई कर रहा है, बकरी चरा रहा है, संस्कृत के श्लोक ग्रामर याद कर रहा है, क्यों इसे बुढ़ापे की चिंता? तो कहते हैं मूढ़ मते मूर्ख व्यक्ति, क्या कर रहे थे? डांट रहे हैं शंकराचार्य हम सबको, डांट रहे हैं। और क्या कहते हैं, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, सम प्राप्त नहीं नहीं रचित डुक्रिम करने, संपादे सने काले, नहीं नहीं रचित डुक्रिम करने, संप्राप्ते शननीति काले, नहीं नहीं रचित डुक्रिम करने, संपादे सन्निहित काले, जब तू मरेगा ना, जब तू मरेगा तो ये नाती पोता, ये बकरी, ये बहुआ, ये संस्कृत के ग्रामर बचाने वाले नहीं है तुझे। इसीलिए भज गोविंदम, गोविंद को भज। कब तक ये बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहे? पुनरपि जन्म मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जगरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जगरे शयनम, पुनरपि जन्म मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जगरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ताली बजाइए कम से कम, पुनरपि जननी, थोड़ा एक्टिव रहिए। कब तक बार बार माता के गर्भ में आएगा और जाएगा, कब तक जन्म लेगा और मरेगा? संसारे बहु दुस्तारे, कृपया आप रे पाहे मुरारे, संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पार पाही मुरारे, पुनरपि जन्म मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जगरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जगरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम, जय हो गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। कब तक पुनरपि जननी पुनरपि, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जठरे जननी जठरे शयनम। कब तक बार बार माता के
के गर्भ में आएगा ए पागल इंसान, ए मूर्ख मति वाला व्यक्ति। मैं नहीं डांट रहा हूँ, ध्यान रखना, नहीं तो सब लोग कंप्लेन लेके आएंगे, प्रभु जी आप हम लोग को मूर्ख कह रहे थे। मैं कौन होता हूँ, आप लोग बहुत विद्वान लोग हैं कि आप भागवत कथा में आके तो बैठे हैं। पहले ही बोला था यहाँ से जो भी निकल रहे ना ये मेरे वचन नहीं है, किसके हैं, आचार्यों को। अगर आप लोग को कोई कंप्लेन हो ना तो शंकराचार्य जी को बोलो, मेरे को नहीं बोलना जी, मेरा तो कर्तव्य है। मैं वो काला वाला स्पीकर देख रहे हैं आप लोग, वो दिखाई पड़ रहा है, दोनों साइड दो दो लगा हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बस वही वो स्पीकर का कार्य क्या है। मैं जो ये माइक में बोलूं वो अगर बोले तो अच्छा लगेगा, है कि नहीं। मैं जो यहाँ माइक में बोल रहा हूँ अगर वही सुनाई पड़े तो अच्छा लगेगा, अगर वह खुद से कुछ आवाज करे तो थोड़ा आवाज कराओ, तो थोड़ा आवाज करो इसका, अभी देख देख आवाज करो, आवाज करो, कैसा लगा बताओ, अच्छा लगा, कड़कड़ लेकिन ये आवाज अच्छा लग रहा होगा ना जो मैं बोल रहा हूँ। वैसे मैं वो काला वाला स्पीकर हूँ, ध्यान रखना, बाल भी देखो काले, काला वाला स्पीकर इधर मत देखो, खाली बाल देखो तो लगेगा काला वाला स्पीकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो स्पीकर का जैसे कार्य है, जो मैं बोलू यथावत आपको सुना दे, उसी तरह हमारे इस्कॉन में ना जो वक्ता होते हैं ना उसको स्पीकर कहा जाता है। मैं भी एक स्पीकर के भांति जो आचार्य ने कहा वो बोलूंगा, आपको कड़वा लगे अच्छा लगे कोई बात नहीं, जानता हूं अच्छा ही लगेगा, अच्छा लग रहा है ना, हमारी जीवनी का वर्णन हो रहा है। बार बार माता के गर्भ में आना कितना बड़ा कष्ट है ना, कितना बड़ा कष्ट है, सोचिए। कोई आपको लैट्रिन की टंकी में 9 महीने बंद कर दे, कितना आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। लेकिन हम सब सब 9 महीने 10-10 महीने अपनी माता के गर्भ में पड़े रहते हैं, और आजकल की माता को तो कोई परवाह नहीं होता है, गरम गरम चाय सवेरे सवेरे, बच्चा बोलता है माता बंद कर कर ये क्या सुनने वाली, इसको तो जिसके जीवा को तो चाय चाहिए सवेरे सवेरे, नहीं तो माथा थर लेगा। बच्चा अंदर सिहर जाता है, कांपता है तो माता बोलती है लात मार रहा है, देखो उसे लात नहीं मारते हैं, उसे पेट के कीड़े काटते हैं और वह डर जाता है, वो भगवान से प्रार्थना करते रहता है, प्रभु एक बार तो यहाँ से बाहर निकालो, एक बार यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ से बाहर जाऊंगा और आपकी भक्ति करना प्रारंभ कर दूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकालते हैं वैसे ही डीजे डीजे बजना चाहिए, डांस करना चाहिए, और फिर माया देवी उसकी डांस करा देती है, उसकी डांस करा देती है माया देवी। तो भक्तों अगर इस दुख से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा। तो प्रभु जी संतों का संग करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, अरे भाई जाने की बात तो दूर रही, अभी संत आपके गांव चल करके आए हैं, उनका तो संग कर लो, घर घर जा करके सवेरे सवेरे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए बच्चे लोग इनवाइट किए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे दुर्दशा है, दुर्भाग्य है उन लोगों का जो नहीं आ रहे हैं। मैंने कल ही कहा ऐसे लोग कैसे हैं जैसे गंगा नदी बह रही है और कोई व्यक्ति प्यासा ही मर जा रहा है, जी मर जा रहा है प्यासे ही मर गए। खैर मेरा क्या है, मैं तो 2 दिन हो गया, 5 दिन के बाद चला जाऊंगा, हाँ तो मरते रह जाएंगे, वही होगा। अब पछताए क्या हो गई जब चिड़िया चुग गई खेत, वैसे ब्रो जी खेत तो हम लोगों ने काट लिया है, अब क्या चुनेगा। तो अब सभी का स्वागत करते हैं, आइए हम लोग कथा की ओर प्रस्थान करें। गत सत्र में हमने सुना कुछ भागवत महात्म को कि किस प्रकार से गोकर्ण का क्षमा चाहूंगा, क्या सुना था बताओ, भागवत कथा कहां ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन से वन में,
याद है आनंदवन हरिद्वार में, कहाँ पे आनंदवन हरिद्वार में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भी कुछ होमवर्क था क्या? कल क्या था? दो होमवर्क था, एक तो पता चल गया, दूसरा क्या था? हाँ, भक्ति महारानी के पुत्रों का नाम क्या था बताइए। जो बताएगा उसको डबल दोना प्रसाद। बताओ बताओ। ज्ञान और वैराग्य। देखिए प्रभु जी, याद चोरी करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। पूछ पूछ करके बताया था। चलो ठीक, हर प्रयास तो किया आप लोगों ने। धन हो माताओं के लिए, पर हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस नाती पोते को ही खिलाओ हाथ से, भगवान के नाम पे मत उठाना, नहीं तो टूट जाएगा। थोड़ा मैं कड़वा बोलता हूँ, शायद आप लोगों को कड़वा लगे, लेकिन आदत हो गई है। तो गत सत्र में हमने कथा सुनी कि किस प्रकार से भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों का उद्धार किसने किया? सनकादिकों ने भागवत कथा सुना करके किया। अब श्रील वेदव्यास जी भागवत कथा सुनने से पहले एक और महात्मा सुनने का निर्देशन करते हैं, और वह निर्देशन है गोकर्ण और धुंधुकारी का। तो कहते हैं प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण का नाम क्या था बताओ उधर से बाबा लोग, आप लोग बताओ कौन से, क्या नाम था ब्राह्मण का? आवाज नहीं आ रही है, सब लोग एक साथ बोलिए। आत्मदेव। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के सारे नियम फॉलो करते थे। जो चार नियम है ब्राह्मण के, वह परिपक्वता से एकदम ईमानदारी पूर्वक निभाते थे, भिक्षाटन करते थे, काफी धनी ब्राह्मण थे, फिर भी वह भिक्षाटन करके ही खाते थे। ब्राह्मण का एक कर्तव्य है ना। और अन्य तीन आश्रमों का वर्णन नियम है कि वह ब्राह्मण का अच्छे से ध्यान रखे। आजकल कुछ लोग कहते हैं, बड़ा खराब लगता है सुनने में, कि देखो ब्राह्मण बिजनेस कर रहे हैं, ब्राह्मण पैसा मांग रहा है, तू अपना धर्म तो देख, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, जो भी है, तू अपना धर्म तो देख। तेरा धर्म है कि तू ब्राह्मण की सेवा करे। अपने धर्म को आज नहीं देखना है, दूसरे के धर्म को देखना है, अपना धर्म देख। हमारे ग्रंथों में यह बताया गया कि ये तीन आश्रमों के लोगों को चाहिए कि वह ब्राह्मण का अच्छी तरीके से ध्यान रखे, अच्छे तरीके से ध्यान रखे। अब हम अपना ही धर्म भूल गए हैं और ब्राह्मण को याद दिलाते हैं, नहीं पहले अपना धर्म तो देखो। तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, बड़ा सुंदर भिक्षाटन करते थे और जीते थे, लेकिन उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? सवेरे उठती और महुआ चुने चल जाती थी, ना नहाना है ना धोना है, बस एक क्या कहते हैं उसको टोकरी ली, दतमन करते करते चल गए, नाना धोना कुछ नहीं। ब्राह्मण बड़े सुंदर तरीके से सवेरे उठते, शालिग्राम जी की पूजा करते, धूप अगरबत्ती दिया करते, गीता पढ़ते, भागवत पढ़ते, मंगला आरती करते, इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। बहुत सुखी से रह रहे थे, लेकिन जीवन में कमी थी। क्या कमी थी? कि इनको कोई पुत्र नहीं था, कोई भी पुत्र नहीं था। अब पुत्र नहीं होने के कारण बहुत दुखी थी। एक दिन उस दुख से इतना दुखी हुए, इतना दुखी हुए कि वह तुंगभद्रा नदी के तट पर चले गए। क्यों?
आत्महत्या करने के लिए। और जैसे आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे तभी एक महात्मा जी आए और उन्हें रोक लिए। बोले क्यों आत्महत्या कर रहा है, जानता नहीं आत्महत्या करना पाप है? बोले महाराज महाराज मुझे मर जाने दो। बोले क्यों, क्या दिक्कत है, दिक्कत तो बताओ। बोले नहीं महाराज मुझे मर जाने दो, इस दुनिया में रहना बेकार है मेरे। बोले अरे बताओ तो सही क्या हुआ, कितना बोलोगे, बोलो क्या बात है। बोले महाराज विवाह हुए इतने दिन हो गया लेकिन मुझे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं कोई भी कार्य करता हूं तो वह कार्य सही से नहीं होता है, मैं जो कुछ भी करता हूं वह गलती ही हो जाता है। मैं किसी फल को पकड़ता हूं तो वह फल सूख जाता है, खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैं मेरे पुत्र नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं, फल फूल बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मेरे हाथों में आते ही सड़ जाता है। कुछ उपाय बताओ। महात्मा जी ने आंखें बंद करके देखा, ध्यान करके देखा तो बताया कि भाई देखो पुत्र की प्राप्ति तुम्हें इसी जन्म में नहीं, आने वाले 7 जन्मों तक नहीं है, 7 जन्मों तक नहीं है। अब ये आत्मदेव ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान थे, ब्राह्मण बड़े बुद्धिमान होते थे, तो कहे आत्मदेव ब्राह्मण कहे समझे कि अरे अगर यह मेरे 7 जन्म को देख सकता है तो यह मुझे पुत्र की प्राप्ति भी करा सकता है। दोनों पांव पकड़ लिए, महाराज महाराज अब आप मुझे पुत्र की प्राप्ति करो तभी जाने दूंगा, प्राप्ति कराओ प्राप्ति कराओ। बहुत मेहनत किया। बोले अरे ऐसे ही तुम ठीक हो, अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोले नहीं महाराज कराओ कराओ कराओ। बोले ठीक है, एक फल दे दिया अभिमंत्रित करके, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, अब यह गर्भवती हो जाएगी। बोले ठीक है, लेकर के गए अपनी पत्नी को दिए, पत्नी को दिया, बोला खा लेना, खाते ही तुम गर्भवती हो जाओगी और फिर बच्चे का जन्म होगा। अब यह दिए तो सही लेकिन पत्नी सोचने लगी अगर मैं खा लिया तो सवेरे सवेरे उठकर महुआ बिछने कैसे जाऊंगी, गर्भवती होने के बाद बहुत कष्ट होता है, प्रसव में बहुत वेदना होती है, पीड़ा होती है, मैं कैसे जाऊंगा, और अगर मेरे गांव में कोई डाकू आ गया तो मैं इतना बड़ा पेट लेके दौड़ूंगा कैसे, दौड़ूंगी कैसे। बड़ा सोच रही थी तब तक उसकी बहन आई, वो भी बड़ी बोली बहना क्यों चिंतित हो, पता चला बताया अरे ऐसा ऐसा बात है। बोले बहना चिंता मत करो, मेरे घर में बालक जन्म होने दो, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, मेरा पति मान जाएगा। बोले ठीक है। बोले और एक काम करो, चेक करते हैं कि वो महात्मा जी जो फल दिए थे सही है कि नहीं, चलो गाय को खिला देते हैं। बोले ठीक है, वो फल गाय को खिला दिया और यह धुंधली फल को नहीं खाई, गाय को खिला दी और वह अपने घर पे चली गई। कुछ दिन के बाद इसके बहन के घर पे एक बच्चे का जन्म हुआ और वह बच्चे को जैसे बात हुई थी कुछ पैसों से ला करके धुंधली को दे दिया। और जैसे ही धुंधली का बच्चा हुआ वैसे ही सेम डे गाय के गर्भ से भी एक बच्चे का जन्म हुआ। क्यों, क्योंकि फल का मंत्र अभिमंत्रित फल था, तो फल व्यर्थ तो जा नहीं सकता ना। तो बहुत सुंदर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके कान गाय के तरह थे, है ना, इसलिए इनका नाम हुआ गोकर्ण। क्या नाम हुआ? गोकर्ण। और धुंधली के पुत्र का नाम क्या हुआ? धुंधुकारी। अब जैसा नाम वैसा काम, धुंधुकारी जन्म से ही शैतान। बच्चे सोए रहते थे उसको चूटी काट के उठा देता था, कुएं में फेंक देता और ना जाने क्या क्या करते रहता था, शराब पीता था, मांस खाता था, पर स्त्री पर प्रसंग करता था, चोरी करता था, डाका डालता था, जुआ खेलता था, मतलब जितनी गंदी आदतें हैं सब। आप लोगों में तो सबको याद नहीं है, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। शराब उराब पीना, मांस विंस खाना, ये सब गंदे आदमी का कार्य है। तो आप लोग तो बहुत अच्छे हैं भागवत कथा में आके, वो कभी भागवत कथा में जाकर के नहीं बैठता था कभी नहीं। तो और वहीं देखिए गोकर्ण एकदम आप लोगों के जैसे, कहीं पे गांव में शहर में दूर दूर भागवत कथा हो जाकर के बैठ जाते थे, जाकर के बैठ जाते थे।
सवेरे सवेरे मंगला आरती करना, दिन में भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अद्भुत है आप लोग। मुझे कभी कभी ऐसे श्रोताओं की आरती करने की इच्छा होती है बातों से। दोनों हाथ उठाइए भाई, क्यों कंजूसी करना, हाथ उठाइए, उठाओ बाबा हाथ उठाओ, आपको स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा प्रभु, हाथ उठाओ, लुंगी जो पहन के आए हाथ उठाओ, दोनों पर ऐसे घुटने पे मत रखो, उस हाँ उन्हीं को बोल रहा हूँ, उठाओ हाथ जबरदस्ती उनको पकड़ के खड़ा कर दो, नहीं तो सभी लोग जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला गया जहाँ भी जाता दिन भर वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता, भगवान का नाम जप करता, कीर्तन करता। और वह धुंधुकारी का जीवन तो आपने सुन लिया, बिल्कुल आप लोगों के अपोजिट। वह मांस खाता था, शराब पीता था, पर स्त्री संग करता था, जुआ खेलता था, ना जाने क्या क्या करता था। गोकर्ण जी कुछ दिनों के बाद तीर्थाटन के लिए चले, लंबे समय के लिए तीर्थाटन के लिए चले गए। वापिस आया तो देखा पिताजी रो रहे हैं, बोले इससे अच्छा तो जब पुत्र नहीं था तभी था मैं, ये पुत्र मेरे सारे धन को बेच करके खा गया। माता पिता सब परेशान रहता था गोकर्ण धुंधुकारी से। तो उसके पुत्र गोकर्ण ने बहुत सुंदर उनको उपदेश दिया, पिताजी क्यों अपना जीवन यहाँ इस गांव में रह करके बर्बाद कर रहे हो, इस बच्चे के चक्कर में जाओ यहाँ से, जाओ और भगवान की भक्ति करो और भगवान को प्राप्त करो। देह मांस रुधिरम, यह शरीर जो देह मांस और रुधिर से बना हुआ है, इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो, जाओ भागो। तो वह अपने पिताजी को बोलने पर उनके पिताजी वहां से चले गए और कहते हैं कि वह जंगल में गए और भागवत के दशम स्कंद का पाठ करके अपने शरीर को त्याग दिया। अब जब पिताजी चल गया तो गोकर्ण का उत्पात और बढ़ गया। कुछ दिन के बाद उसकी माता की मृत्यु हो गई और यह धुंधुकारी क्या किया, चार चार स्त्रियों को है ना, चार चार वैश्याओं को अपने घर पे ला करके रखने लगा। अब वैश्या का तो कोई पति नहीं होता, जिसका धन वही उसका पति। अब वह बहुत उनसे धन मांगती, बहुत धन मांगती, ये लाता डेली लाता डेली लाता। लेकिन कहां से लाता? एक दिन उसने राजा के यहाँ पे चोरी किया, बहुत सारे धन लाया। इन चारों वैश्याओं ने देखा बहुत धन लाया है, बोले अगर इसके साथ रहेंगे तो पकड़ा जाएंगे, भागो। तो उसके हाथ पांव बांध दिए और मुंह में गरम गरम जलता हुआ कोयला ठूस दिया और भाग गए। गोकर्ण मर गया, क्षमा क्षमा गोकर्ण धुंधुकारी मर गया। वापिस तो नहीं करेगा, ठीक कर लो पहले। अब टेस्ट क्यों नहीं करते हैं कथा से पहले? कल भी डिस्टर्ब किए हैं आप, आज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोना मत। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
भूल गया क्या बोल रहा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो धुंधुकारी मर गया भक्तों, इस संसदीय से आवाज ही नहीं आ रही, केवल इससे ही आ रहा एकदम कान। एकदम नहीं आ रहा आवाज इधर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब पहले ठीक कर लो, ये बज रहा है, आवाज आ रही है, सुनिए मुझे, थोड़ा इसको ऐसे मोड़वा लो, थोड़ी सी भी आवाज नहीं। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो धुंधुकारी मर गया और मरने के बाद वह प्रेत बना, क्योंकि भक्तों जब हम आते हैं ना उसी समय हमारी आयु फिक्स होती है कितना दिन रहेगा। अब कोई व्यक्ति पहले ही मर जाए रोड एक्सीडेंट फांसी अन्यथा अन्यथा में, तो वह क्या बन जाता है, प्रेत बन जाता है। तो वह प्रेत बन गया और भटकने लगा था उधर से। एक दिन गोकर्ण जी अपने गांव में आए तीर्थाटन करके, और उन्हें वैसे रास्ते में तीर्थाटन करके गांव में आए और अपने घर में जा करके सो गए। और जैसे ही सोए तो रात को भयंकर आवाज होने लगी उनके घर से, है ना, भयंकर भयंकर भूतों की आवाज आने लगी। उसी समय गोकर्ण जी अपने कमंडल से जल निकाले, अभिमंत्रित करके छिड़ा, तो उसे शरीर की प्राप्ति हो गई और वह प्रकट स्वरूप में हो गए। बोले तू कौन है, तो वाचा शक्ति आई उसे और वह बोलने लगा कि मैं भाई, मैं तेरा भाई धुंधुकारी। बोले अरे तू, तेरा तो मैंने श्राद्ध कर दिया है गया मैं जाकर के, फिर तू यहाँ पे कैसे, तो फिर यहाँ पे कैसे। तो कहते हैं भाई तू मेरा एक नहीं हजार श्राद्ध भी करेगा ना गया मैं, तो भी मेरी मुक्ति संभव है, मैं प्रेत बन गया हूँ भाई, मैं प्रेत बन गया। बोला चल ठीक है, अभी आराम कर, सवेरे देखता हूँ क्या करता हूँ तेरे लिए। गोकर्ण भी कोई कम नहीं थे, सवेरे सवेरे सभी पंडितों को बुलाया गाँव के और पूछा, आवाज ठीक करी है, नहीं है, खराब हो गया पूरा पूरा सिस्टम फेल। पूछा कि भाई क्या कैसे पंडित जी का उद्धार कैसे होगा। सभी पंडितों ने देखा तो देखा रे इसका कोई उपाय नहीं दिख रहा है। बोले इसका उपाय तो केवल और केवल भगवान भास्कर ही बचा सकते, बता सकते हैं, सूर्यदेव ही बता सकते हैं। बोले गोकर्ण जी भी कम नहीं थे भक्तों, सवेरे सवेरे उठते ही सूर्यदेव की गति को रोक दिए, रथ को रोक दिए और पूछा। तो पूछने के लिए पूछने पर पता चला कि जिनका उद्धार कहीं से नहीं हो सकता उसका उद्धार कहां से हो सकता है, श्रीमद् भागवत महापुराण से। इसको इधर करो थोड़ा। तब अभी भी इसका आवाज एकदम कम है, लेफ्ट वाले को बढ़ा दो। तब गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया, बहुत सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया। कहते हैं गोकर्ण जी बने वक्ता और उस गांव के सभी लोग बने श्रोता। और कहते हैं भक्तों उस समय उस गांव में
एक बांस गाड़ा गया, उस कथा पंडाल में एक बांस गाड़ा गया और वह धुंधुकारी उस बांस में आकर के विराजमान हो गया। वह धुंधुकारी वह बांस में आकर के विराजमान हो गया और बहुत सुंदर कथा हुई, बहुत सुंदर डेली डेली कीर्तन भी होने लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम कीर्तन हुआ। कहते हैं भक्तों जैसे ही कथा का प्रथम दिवस बीता, उस बांस में सात गांठ थी। कितनी गांठ थी? सात। कहते जैसे ही प्रथम दिवस बीता उस बांस की एक गांठ फट गई, दूसरा दिवस बीता दूसरी गांठ फट गई, तीसरा दिवस बीता तीसरी गांठ, चौथा दिवस चौथी गांठ, इस प्रकार करते करते सातवां दिवस प्रकट हुआ और सातवीं गांठ प्रकट फट गई। और कहते देखते देखते बहुत सुंदर उस धुंधुकारी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और भगवान के दूत आए विमान लेकर के और उसको विराजमान कराया और भगवत धाम लेकर। उसी समय सभी गांव वालों ने जहाज पकड़ लिया, विमान पकड़ लिया, बोले हम नहीं जाने देंगे। बोले क्यों? बोले इस धुंधुकारी ने अगर सुना है तो हमने भी सुना है, हमें भी ले चलो। भगवान के दूतों ने कहा गांव वालों तुमने सुना तो है लेकिन रात को कथा सुनता था और सवेरे उठते ही महुआ चुनने चल जाता था, सवेरे उठते ही फिल्म देखने लग जाता था, सवेरे उठते ही घर के काम काज में लग जाता था। बोले ये धुंधुकारी, बोले ये धुंधुकारी रात को कथा सुनता था और दिन भर उस कथा का मनन करता था। बोले फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले फिर से भागवत कथा का आयोजन कराओ और समस्त ग्रामवासी बैठ करके सुनो और दिन भर उसका चिंतन मनन करो तो भगवान तुम्हारा उद्धार करेगा। पुनः कथा का आयोजन किया गया, बहुत सुंदर कथा का आयोजन किया गया और कहते हैं फिर से गोकर्ण जी कथा कहने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सात दिन की कथा समाप्त हुई। कहते हैं उस गांव में उस समय हजारों विमान उतरे, हजारों भगवान के दूतों के साथ, और सभी लोग चतुर्भुज रूप धारण करके सभी ग्रामवासियों को भगवान के उस दूतों ने उन दूतों ने अपने अपने विमान पर विराजमान कराया और भगवत धाम लेकर के वापस चले गए। और गोकर्ण जी को कहा, गोकर्ण जी भगवान ने आपके लिए संदेश भेजा है क्या?
बोले कि इन लोगों को लेने के लिए तो हमें भेजा है, लेकिन आपको लेने के लिए साक्षात भगवान आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, थोड़ा खड़े हो जाओ, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, खड़े होकर नाचते हुए हरे जाहो, सभी लोग क्यों आप लोग नहीं खड़े होते हैं क्या? खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के गोड़ के हुई भगवान के हरिनाम संकीर्तन में खड़े हो जाओ और नाचते हुए। ध्यान रखिए, हमने सवेरे भी बताया था, यह वही हरिनाम संकीर्तन है। जब इसी झारखंड भूमि से चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए कीर्तन करते हुए जा रहे थे ना, तो जानवर भी खड़े होकर के भगवान के साथ नाचने लगे। देखो बाबा इतने बूढ़े हैं लेकिन खड़े हो गए, और हमारे जवान लड़के लोग बैठे हुए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, नाचते हुए वर नागर नंदा, जय हो जय हो जय हो जय हो, वर नागर नंदा जोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा जोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर भजोरे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर ठीक है, बंद कर दो। जब नाचना नहीं तो कीर्तन करके क्या फायदा? नाचना है तो कीर्तन किया जाएगा, नहीं तो बंद क्या करना है? नाचना है पक्का, आप लोगों को नहीं नाचना है। गांव के पुरुष बड़े शर्मिंदे हैं यहाँ के, अद्भुत। माता जी लोग एक लोगों को लोगों कल से दुपट्टा दे दिया करो। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नाचते हुए भजोरे मन गोविंदा, सुनील प्रभु नचाओ नचाओ, सबको पकड़ पकड़ के नचाओ। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े,
देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। जैसे हो जय हो जय हो जय जैसे जैसे तारों में चंदा बजोर मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा बजोर मन सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ो है, सब सखियन में राधा जी बड़ी 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 है, 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 जैसे जय हो ऐसे जैसे नदियों में गंगा बजोरे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर अगर आप इनपुट नहीं देंगे तो मैं आउटपुट नहीं दे सकता, ठीक है। साधारण सा मेरा बात है, पहले ही बताया था कि कीर्तन में अगर नाचेंगे नहीं तो कीर्तन में आनंद नहीं आएगा, खंबे की तरह खाली खड़े हो जाएंगे तो क्या आनंद आएगा, नाचना पड़ेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। तो इस प्रकार वेदव्यास जी भागवत सुना रहे भक्तों, और अभी कथा समाप्त नहीं हुई है, कथा समाप्त नहीं हुई है, कथा के बाद ड्रामा भी है। गांव वालों से मिल के फिक्स करिए कथा की टाइमिंग कि किस दरमियान होवे कि ये लोग रह सके, हम लोग इनके अनुसार से ही कथा करेंगे। आधी कथा में जा रहे हैं, हम तो इनका उद्धार करने के लिए आए हैं, इनका पतन कराने नहीं आए हैं। आधी कथा से जाना पतन कराता है। देवी सती आधी कथा से चली गई थी, शरीर त्यागना पड़ा।
कितना बड़ा कांड हो गया, तो इसलिए आधी कथा से नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरा महात्म्य, अनेकों महात्म पद्म पुराण स्कंद पुराण इत्यादि ग्रंथों में मौजूद है भक्तों। अब अगर मन में प्रश्न हो कि ये भागवत है क्या, तो ध्यान रखिए यह भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। क्या है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण, भगवान का वांग्मय मूर्ति है यह भागवत। आप लोग बात मत करिए, अभी ड्रामा में समय है, उछल कूद मत करो, ड्रामा बंद करा दूंगा। मुख्य है सुनना, ड्रामा तो बस ऐसे ही है। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे ना, तो उद्धव जी को प्रभात क्षेत्र में लेकर के गए, और जब भगवान जाने लगे तो उद्धव ने कहा कि प्रभु आप हमें छोड़ के मत जाइए, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। उद्धव को कहा कि उद्धव अभी आपको रहना है, रहना है, मैं तो जा रहा हूं लेकिन मैं आपके साथ भागवत के रूप में विराजमान रहूंगा। और कहते हैं उस समय देखते देखते भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कन्वर्ट हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है भागवत। भागवत में भक्तों 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000। ऐसे तो कहते हैं कि एक भागवत है जिसमें 100 करोड़ श्लोक हैं। कितना? 100 करोड़, जो ब्रह्मा जी के पास है, हमारे पास नहीं है, है ना? हमारे पास जो है वह कौन सा है? 18,000 श्लोक, जिसे वेद व्यास जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से यह भागवत, और कहते हैं इस भागवत को सुनना किससे चाहिए? जिससे मन किससे नहीं सुनना चाहिए, इस भागवत को भक्त भागवत के मुख से सुनना चाहिए। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, एक भागवत, एक भागवत बड़ा बड़ा भागवत शास्त्र, एक भागवत बड़ा बड़ा भागवत शास्त्र, एक भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, एक भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत क्या हुआ? शास्त्र। और इसको सुनना किसके मुख से कहिए? तो कहते भक्त भागवत के मुख से। किसी के मुख से भागवत नहीं सुनना चाहिए। भागवत कौन कर सकता है? जो भागवत को अपने जीवन में उतारे वह भागवत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। चाय कॉफी लहसुन प्याज खाने वाला भागवत नहीं कर सकता है? नहीं तो कुछ भी, कोई भी व्यक्ति होता है, बस भागवत पढ़ ले तो हम भी भागवत कथाकार करने लगे। नहीं जी, ऐसे भागवत नहीं होता है। भागवत करने से पहले भागवत को उतारना पड़ता है अपने जीवन में, नियमों का पालन करना पड़ता है। जब तक हम भागवत की बात को अपने जीवन में ना उतारेंगे और आपको कहेंगे तो आपके जीवन में इसका फायदा नहीं होगा। भागवत वक्ता को चाहिए कि वह पहले अपने जीवन में उतारे और फिर आपको बतावे। आज श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, यह भागवत एक प्रमाणिक तरीका से आपके गांव में आया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई शुद्ध भक्त हूं, मैं तो पहले ही बताया मैं वो तो काला वाला स्पीकर हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आचार्यों के शब्द हैं, श्रील प्रभुपाद के, गुरु महाराज के शब्द हैं, मैं उसे ही एज इट इज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये तो हो गए वक्ता और श्रोता।
सरोता भी दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन? एक तो हो गए श्रोता, जो वास्तव में कथा में आते हैं और कथा को सुनते हैं। अब इसमें भी तीन कैटेगरी है, चातक, मीन और क्या कहते हैं उसको, भूल रहा हूं, तीन कैटेगरी है। और एक होते हैं श्रोता, क्षमा चाहूंगा, श्रोता तो हो गए ये तीन कैटेगरी वाले, और एक हो गए सरोता। चलो तो देख के आते हैं, बोलता है इस कौन से आया है, प्रपाद जी की संस्था से आया है, क्या बोलता है, देख के आते हैं क्या क्या गलत बोलता है, पकड़ेंगे। चलो तो वो सुनने के लिए नहीं, वो काटने के लिए आता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सरोता। और तीसरा सोता। कल देखा ना, एक व्यक्ति पेट खोल करके सोए हुए थे। तो इस प्रकार से भागवत के कथाओं का वर्णन। अब आइए, अब हम भागवत के प्रथम स्कंद में पढ़ें। भागवत के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय की ओर प्रवेश करें। सभी भक्त अपने दोनों हाथ जोड़ करके, आंखें बंद करके, हृदय में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भागवत का एक प्रथम श्लोक बोलिए। तू सो के बोलेगा बेटा, उठ के बैठ जा। गुड, ये तो बच्चे हैं, चलेगा। जब बड़े सो जाते हैं तो बच्चों का क्या, कथा सुनने तो आया। तो दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और मेरे साथ कहिए, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत का पहला श्लोक। वेद व्यास मुनि भागवतकार की भागवत के रचनाकार हैं, जिन्होंने भागवत को लिपिबद्ध किया। वैसे भागवत, क्षमा चाहूंगा, वैसे भगवान के सत्यावेश अवतार हैं वेद व्यास जी। कौन से अवतार हैं? सत्यावेश अवतार। और भागवत लिखने से पहले, भागवत में घुसने से पहले, भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं वेद व्यास मुनि ने। भागवत लिखने से पहले मंगलाचरण करके हमें बताया, बहुत सुंदर सिद्धांत दिया कि किसी भी कार्य को करने से पहले हमें जीवन में मंगलाचरण करना चाहिए। चाहे भागवत कथा हो, चाहे हमारे शुभ दिन की शुरुआत हो, मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण करने से तो पहले जो हम कार्य कर रहे हैं ना, वह संपन्न हो जाता है। समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। अपने काम का निर्विघ्न समाप्ति चाहते हैं ना, तो मंगलाचरण करें। बोलते हैं मंगलाचरण के तीन ही अंग होते हैं। पहला प्रणाम होता है, गुरु वैष्णव भगवान को प्रणाम होता है। दूसरा वस्तु का निर्देशन होता है, और तीसरा आशीर्वाद होता है। वेद व्यास मुनि प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रथम तीन श्लोक में मंगलाचरण कर रहे हैं, और भागवत के प्रथम श्लोक में इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। ये वही भगवान है जो सभी वेद, क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी, वही भगवान है जो सभी वेद सभी शास्त्र सभी ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषय है। सभी ग्रंथों सभी वेदों का प्रतिपाद्य विषय वेद व्यास मुनि किस कहते हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं भक्तों, यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मान लो वेद व्यास जी को पूछा जाए कि आप कृष्ण को क्यों मानते हो। हे वेद व्यास जी, अगर आप जिस कृष्ण को मानते हो उसका परिचय दीजिए। देखिए, किसी भी कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। वहां पर रामायण में भी भोलेनाथ ने किया ना, क्या मंगल भवन अमंगलहारी, 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 द्रव शुद्ध दशरथ अजर बिहारी, द्रव शुद्ध दशरथ अजर बिहारी, द्रव शुद्ध दशरथ अजर बिहारी, द्रव शुद्ध दशरथ अजर बिहारी। जैसे ही भोलेनाथ देवी पार्वती को कथा सुनाना, राम कथा सुनाना प्रारंभ करने वाले हैं, वैसे ही भगवान को मंगलाचरण करते हैं। अभी भी लगातार राम कथा ही करते आ रहे हैं। इससे दो दिन पहले राम कथा और उस कथा के शुरू होने के दो दिन पहले राम कथा, पूरा राम कथा राम कथा। जय हो। तो कहते हैं हे मंगल के निधान भगवान श्री राम, हे प्रभु, हे समस्त मंगलों को हरने वाले प्रभु, हमारे ऊपर कृपा करिए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव शुद्ध शरत बिहारी। हे मंगल के निधान, हे भगवान श्री रामचंद्र, हे दशरथ के पुत्र, हमारे ऊपर कृपा करिए, तनिक द्रवित होइए कि मैं आपकी कथा प्रारंभ कर सकूं। ऐसे ही परिचय देते हुए कृष्ण के स्वरूप और तटस्थ लक्षण का विषय में बताते हैं। इस श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए आचार्य इस प्रथम श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर टीकाएं लिखी है, बहुत सुंदर। अगर देखा जाए ना तो पूरी की पूरी भागवत सप्ताह केवल श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर किया जा सकता है। भक्तों ने लगातार, ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने इस श्लोक के ऊपर केवल 6 महीने तक कथा किया है, केवल और केवल इस श्लोक के ऊपर। हमारे भी इच्छा है कि कभी इसके ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन हम लोग करेंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन में तो संभव नहीं है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे समय की कमी। इस प्रथम श्लोक में वेद व्यास मुनि भगवान श्री कृष्ण का परिचय देते हैं और कहते हैं कृष्ण कैसे हैं। तो कहते हैं जन्माधर्षयतोन्वादी तरत चरते शुभज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोयन्ति सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो
स्वर्गो अमृषा धामना श्वेन सदा निरस्तकोकम् सत्यं धीमहि। सर्वप्रथम वेद व्यास मुनि कहते हैं भगवान कैसे हैं, तो कहते हैं जन्माधश्य, जन्माधश्य कृष्ण वो है जिन्होंने संसार को जन्म दिया है। अहम सर्वस्य बीज प्रदः पिता। माता जी जग जाओ, बच्चे भी गोद में सुला रखे हैं, खुद भी सो रही हो, जग जाओ। तो आप जानते हैं ना ये पूरा जगत कहां से आया है, कहां से आया है? भगवान से है। यहम सर्वस्य प्रभवः सुते सचराचर। मैं ही इस संसार का, मेरे से इस संसार का प्रभव है। प्रलाव प्रभाव मतलब जन्म है, वही यहां पे कह रहे जन्माधश्य। भगवान वो है जिनसे ये पूरा संसार जन्म लेता है। ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं भगवान, इस संसार को प्रकट करते हैं भक्तों। भगवान इस संसार को प्रकट करते हैं, कृष्ण संसार को प्रकट करते हैं, और प्रकट करने के बाद संसार का पालन भी करते हैं, और समय आने पर कृष्ण ही इस संसार का प्रलय करते हैं, कृष्ण का परिचय देते हैं। ध्रुव महाराज भागवत की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं क्या, कल्पान्ते तदखिलं जठरेण गृहे। प्रभु कल्प के अंत में आप क्या करते हो, इस पूरे ब्रह्मांड को अपने जठर में धारण कर लेते हो। हे प्रभु कल्प के अंत में जब आपकी इच्छा होती है तब आप इस पूरे ब्रह्मांड को अपने जठराग्नि में धारण कर लेते हो। एक बार भीम, आप लोग भीम को जानते हैं ना, भीम द्वारका गए और जाकर के द्वारपालों को कहा कि कृष्ण को कहो कि भीम भैया आया। बोले ठीक है, जाकर के गए कहने के लिए। तो भीम ने सोचा, अरे यार ये तो मेरा मित्र है, अभी मैं इसको सूचना क्या भिजवाऊ, अंदर चला जाता हूँ, है ना। क्या कहे कि अभी मैं सूचना क्या भिजवाऊ, अंदर चला जाता हूँ। तो बिना सूचना दी जैसे ही वह द्वारपाल अंदर गए, कृष्ण भी पीछे पीछे उसके अंदर जाने लगे। तो क्षमा चाहूंगा, भीम भी अंदर जाने लगे। और जब भीम अंदर गए तब देखते हैं कि वो जो द्वारपाल है उनको सूचित कर रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण। माता जी अगर आपको गप करना है अथवा मजाक करना है पीछे जाके बैठेंगे, ये अपमान है, कथा का ध्यान रखिए, अपराध है। कथा को बीच में छोड़ करके जाना, कथा के सामने बैठ करके गप करना, मैं एक व्यक्ति को कथा सुना सकता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है हजार व्यक्ति की, लेकिन कथा ध्यान से सुनिए। क्या बोल रहा था बताओ, आप ही बताओ, आप गप कर रहे थे माइक पे। क्या बता रहा था मैं, सुनने के लिए आए आप, सुनाने के लिए नहीं, सुनाने के लिए मैं आया हूं, तो मुझे सुनाने दीजिए। भीम अंदर जा रहे थे, अंदर गए तो देखते हैं कि द्वारपाल, जब अंदर गए ना तो द्वारपाल उनको सूचना दे रहे थे कि कृष्ण कृष्ण भीम आया है, और उस समय कृष्ण भोजन कर रहे थे। तो कृष्ण द्वारपालों को कहते, अच्छा द्वारका से आओ, क्षमा चाहूंगा, ओ हस्तिनापुर से वो पेटू भीम आया है। बोले हाँ। बोले रुको, उसको बाहर ही रोकना, मैं यहाँ पर भोजन कर रहा हूँ, अगर वो आ गया ना तो मेरा सारा भोजन खा जाएगा, बहुत बड़ा पेटू है वो। तब तक तो भीम अंदर आ गए। बोले कृष्ण कृष्ण, तू मुझे पेटू कह रहा था,
तू मुझे पेटू कह रहा था, क्या मैं नहीं जानता कि दुनिया का सबसे बड़ा पेटू तू है? अरे मैं क्या खाता हूँ, मैं हजार हजार दस लड्डू खाता हूँ, 10 किलो चावल का भात खाता हूँ, और क्या खाता हूँ, लेकिन इस संसार के अंत में तू इतना बड़ा पेटू है कि पूरे ब्रह्मांड को खा जाता है। तेरे से बड़ा पेटू कौन बता? वैसे तो आप जानते ही होंगे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी डेली कितना मन भात खाते हैं, जानते हैं आप लोग कितना मन खाते हैं? 40 मन चावल का भात खाते हैं डेली, फिक्स है। कोई आवे या ना आवे, 40 मन चावल का भात वहां बनेगा ही बनेगा, और जगन्नाथ जी को भोग लगेगा ही लगेगा। 40 मन चावल सच है भक्तों, भगवान ही संसार को जो है ना प्रभाव जन्म देते हैं और इंग्लिश में भगवान को गॉड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉड, बिल्कुल सही अर्थ है। गॉड मने तीन शब्द है, कौन सा शब्द? जी ओ डी, जी मतलब जनरेटर जो उत्पन्न करे, ओ मतलब ऑपरेटर जो पालन करे, और डी मने डिस्ट्रॉयर जो विनाश करे। और भगवान ही तो सब करते हैं ना, कौन करता है? कहने में तो लगता है कि प्रभु जी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव जी प्रलय करते हैं, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखें ना तो आचार्यों ने बहुत सुंदर कहा, क्या? तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वर स्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार। तुम्हारी इच्छा विश्व जनसंहारा, तुम्हारी इच्छा विश्व सृजन सृजन संहारा, तुम्हारे इच्छा विश्व सृजन संहारा, तुम्हारी इच्छा विश्व सृजन संहारा, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। ठाकुर भक्ति विनोद के द्वारा लिखा हुआ अद्भुत भजन है भक्तों, परम संत ठाकुर जिसे भक्ति भागीरथ कहा गया। जैसे भागीरथ जी गंगा को पृथ्वी पर प्रकट किए, वैसे ठाकुर भक्ति विनोद सदियों से चलती हुई भक्ति रस धारा को इस धरती पर पुनः प्रतिष्ठापित कर, इसलिए उन्हें भक्ति विनोद कहा गया।
भक्ति भागीरथ का है। ऐसे ठाकुर भक्ति विनोद क्या कहते हैं, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार। इस संसार में अनेक ईश्वर हैं। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, नियंता। कहते प्रभु इस संसार में अनेकों कंट्रोलर हैं। इस दुनिया में पवन देवता हवा के कंट्रोलर हैं, वरुण देवता समुद्र के, इंद्र देवता वर्षा के। इस संसार में बहुत सारे देवता हैं, लेकिन इन सभी ईश्वरों के ईश्वर अधिक कोई है तो एक कृष्ण एकमात्र आप हो, और तुम्हारी इच्छा से ही संसार का सृजन और प्रलय होता है, तुम्हारे इस इच्छा से संसार का पालन होता है, और आपकी इच्छा से ही प्रलय होता है। तब मानो हमारे मन में प्रश्न हो कि प्रभु आखिर संसार का सृजन तो ब्रह्मा जी का, तब भक्ति विनोद कहते हैं क्या, तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजाना, 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 तव इच्छा मते विष्णु करना पलाना, तव इच्छा माता विष्णु करना पलाना। आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, और आपकी इच्छा से ही कृष्ण आपके कहने पर ही विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा ब्रजेंद्र कुमार। भक्तों इस संसार का सृजन करने वाला कृष्ण, इस संसार का पालन करने वाला कृष्ण, इस संसार का प्रलय करने वाले कृष्ण, इस संसार में इसलिए ईश्वरों के ईश्वर भी अगर कोई है तो वह कौन है, केवल और केवल कृष्ण। तुम्हारी चमाते सिवा करे ना संहारा, 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 तुम्हारे चमाते सिवा करे ना संहारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कौन है? समस्त ईश्वरों के ईश्वर। और ऐसे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का नाम अगर कोई गाता है ना भक्तों, तो वह भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार वेद व्यास जी प्रथम श्लोक में भगवान के विषय में बताते हैं कि भगवान कौन है जो भगत संसार को जन्म देते हैं, और भगवान कौन है जो इस संसार का पालन करते हैं, भगवान कौन है जो इस संसार का संहार करते हैं। खेल खेल में भगवान इस संसार को बनाते हैं और फिर तोड़ देते हैं, और हम छटपटाते रह जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा ना देखने वाला शक्ति भेजा गया था, क्या नाम था उसका? कोरोना। सब लोग चुपचाप घर में छिप गए थे। भक्त वेद व्यास मुनि भगवान का परिचय प्रथम श्लोक में दिए और भगवान को प्रणाम किए। दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्म प्रोजिता केतवः यत्र परमः निर्मताम शरणाम शताम वेदम वास्तवम वस्तु शिवदम ताप तरुण मूलम श्रीमद् भागवते मामुनि कृते किंवा परिश्रवे शद्यो रिद्या वरुद्यत्र कृतिभ्य सुश्रित तीक्ष्ण। कहते हैं कि अरे जो भागवत का शरण लेता है ना, कहते जो भागवत जो है, भागवत में संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म का वर्णन, सर्वश्रेष्ठ धर्म का भागवत धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म का वर्णन। और वेद व्यास जी लिखते हैं कि इसमें इसी में किसी भी प्रकार का मैंने कपट नहीं किया। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि मैंने इसमें किसी भी प्रकार का कपट नहीं किया है। अन्य अन्य शास्त्रों में अन्य अन्य ग्रंथों की बात नहीं कर सकता, लेकिन भक्तों भागवत में किसी भी प्रकार का कपट धर्म का वर्णन नहीं, सभी प्रकार के कपट से मुक्त है। प्रोजित केतवो अत्र परम, सभी प्रकार के कपटों से मुक्त है ये भागवत। भागवत में अलौकिक धर्म का वर्णन किया गया भक्त, आत्मा के धर्म का वर्णन किया गया। अन्य अन्य जगह तो अन्य अन्य धर्मों का वर्णन किया गया, लेकिन आत्मा के धर्म का वर्णन कहां? भागवत में, और दूसरे जगह कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, केवल भागवत में ही आत्मा के धर्म का वर्णन। तो ऐसे भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली आत्मा के धर्म का, हमारे आत्मा को भगवान से प्रेम प्राप्त कराने वाली इस ग्रंथ का श्रवण करना चाहिए। अलौकिक धर्म का वर्णन किया गया। कहते हैं इससे पहले उन्होंने जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे सब में लौकिक धर्म का वर्णन किया गया। ध्यान रखिए जो भी ग्रंथ लिखे उसी को भगवान कह दिया। दुर्गा पुराण लिखा तो दुर्गा देवी भगवान, दुर्गा जी भगवान है ना, काली पुराण तो काली जी भगवान, शिव पुराण तो शिव जी भगवान, शनि पुराण तो शनि जी भगवान। और कहते हैं जब ऐसे 17 पुराण लिख दिए ना, तो वेद व्यास जी एकदम व्याकुल हो गए, मन विचलित हो गया। जब वेद जब मन विचलित हो गया तब उनके गुरु वेद व्यास जी के गुरु कौन है? नारद जी प्रकट हुए और नारद जी से पूछा कि नारद जी मैंने देखो 17 पुराण लिख दिए, 108 उपनिषद लिख दिए, रामायण लिख दिया, महाभारत लिख दिया, लेकिन मेरा मन विचलित क्यों है? तब नारद जी ने डांटा। बहुत सुंदर भक्तों भागवत में वर्णन है कि नारद जी ने डांटा और डांटते हुए क्या कहा,
नारद जी ने डांटते हुए कहा कि अरे तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी बारात क्षमा चाहूंगा, जिसकी शादी उसी दूल्हे का केवल क्या किया, गुणगान कर दिया। होता है ना, दूल्हा भले भी कितनों ही काला हो लेकिन जिस दिन शादी होती है उस दिन हमारा दूल्हा राजकुमार है। अब भले दूल्हा एकदम कोयले की तरह काला है, सवेरे सवेरे देख लो तो मूड खराब हो जाए, दिन खराब हो जाए, लेकिन शादी के दिन तो केवल उसका ही गुणगान होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि वेदव्यास जी आपने जो भी वेद लिखा, जो ग्रंथ लिखा, जिसके विषय में लिखा, केवल उसको ही भगवान कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार में तो भगवान एक ही है और वह है केवल और केवल कृष्ण। आपने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा, लेकिन भगवान के विषय में नहीं लिखा। और वेदव्यास जी जब कलयुग में ये ग्रंथ जाएंगे ना, तब लोग आपस में लड़ेंगे। जो लोग जिस ग्रंथ को पढ़ेंगे, कोई देवी पुराण कहे पढ़ेगा तो वह देवी जी को महान कहेगा, कोई शिव पुराण पढ़ेगा तो शिव जी को महान कहेगा, कोई शनि पुराण पढ़ेगा तो शनि जी को महान कहेगा। और जब आपस में ये लोग एक जगह होंगे ना, तो बहुत लड़ाई होगी और उसी लड़ाई का फल जो है ना वेदव्यास जी आपके मत्थे चढ़ा है, इसीलिए आप विचलित हो। तब कहा कि गुरुदेव अब आप ही राह दिखाइए, क्या किया जाए, क्या करूं, अब आप ही राह दिखाइए। तो उस समय कहते हैं कि वेदव्यास जी अब एक ऐसा ग्रंथ लिख दो जिसको लिखने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद और किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं होती है, केवल ऐसा ग्रंथ लिख दो। बोले ऐसा ग्रंथ कौन सा? बोले भगवान श्री कृष्ण के विषय में लिख दो, श्रीमद् भागवत महापुराण लिख दो। 17 पुराण लिख दिए भक्तों और 18वें पुराण के रूप में क्या लिख दिया? श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए भागवत सुनने वाला व्यक्ति कपट से मुक्त हो जाता है, निर्मत शरणाम शतम। भागवत सुनने वाले व्यक्ति का हृदय मत्सर से मुक्त हो जाता है। वो हवा कैच कर रहा है, 100% सत हो जाता है, है ना। और वेदाम वेदम वास्तुमत्र वस्तु सिद्धम, और भागवत कथा जो है ना, दुनिया में केवल यही जानने लायक वस्तु है और कुछ नहीं। जीवनम सिद्धम, जीवन में मंगल ही मंगल हो जाता है और कुछ पढ़ने और सुनने की जरूरत नहीं होती। वेद व्यास जी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किंवा पृष्ठवा। जब भागवत मैंने लिख दिया है तो अन्य पुराणों को पढ़ने की क्या आवश्यकता, क्या आवश्यकता है? अन्य पुराण पढ़ेंगे तो इससे केवल और केवल मति भ्रमित हो जाएगी, लेकिन यदि भागवत पढ़ोगे तो सारे संशय दूर हो जाएंगे। इसलिए भागवत पढ़िए, भागवत सुनिए। तो भक्तों इस प्रकार वेदव्यास मुनि दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देशन करते हैं और तीसरे श्लोक में सबको कथा सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए आइए कथा सुनिए। लेकिन हमको महुआ बिछने से कहां फुर्सत है? पता नहीं, आप लोग भी बहुत ज्यादा महुआ बिछते हैं क्या? लेकिन इससे पहले मैं जहाँ था ना, 2 दिन पहले ही, वहां पे पूरा महुआ का वन ही था और महुआ के वन के बीच में हम लोगों की ठहरने की व्यवस्था थी। सवेरे उठता था तो देखता था सब लोग महुआ बीचने में लग गए हैं, खिड़की खोलता था तो देखते लोग महुआ बीच रहे हैं, छत पे जाता तो देखता था लोग महुआ बीच रहे हैं, दरवाजे पे जाओ तो लोग महुआ बीच रहे हैं। महुआ का सीजन चल रहा है क्या? जब तक प्रभु जी बोलेंगे, प्रभु जी महुआ बहुत शक्तिवर्धक होता है, बोले कल से हम लोग भी खाएंगे। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं क्या,
निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम पिबत भागवतम ऋषिमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः निगम कल्प तरो गलितम फलम। यह भागवत कैसा है? निगम कल्प तरो गलितम फलम। कोई फल होता है ना, कोई फल पका हुआ फल है, पका हुआ फल है। तो मानो कोई कहे कि जब फल पक जाता है प्रभु जी तो पेड़ से गिर जाता है तो उसमें कुछ गंदगी लग जाती है, तो क्या भागवत में भी कुछ लग गया है क्या? तो बोले नहीं, फल पका हुआ है और उस फल को बिल्कुल प्रमाणिक तरीके से पेड़ पर चढ़ करके तोड़ा गया है। कैसे? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव जी की गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के मुख से इसको गिराया गया। अब कहते हैं अरे ठीक है फल है, लेकिन फल को खाने में तो बहुत तकलीफ होता है। मान लो आम ही हो, कितना ही सुंदर आम हो लेकिन उसमें छिलके और गुठली तो होते हैं ना, तो कहते हैं उस आम को खाने में कष्ट है। लेकिन कहते हैं अरे 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 रुको रुको रुको, ये भागवत जो है ना फल नहीं है, ये तो बना बनाया हुआ जूस है, जूस। इसीलिए इस भागवत को क्या किया जाता है? पिबत भागवत रसमालय, इस भागवत को पिया जाता है, पियो, है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत सुंदर भागवत, और आप जानते हैं किसी भी कथा की शुरुआत कहां से होती है? किसी स्थान से, है ना। तो यह कहां से शुरू हो रही है? तो कह रहे निमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममाशत। ये कहां से शुरू हो रही है? तो नैमिषे निमिषे क्षेत्रे, निमिष नैमिषा, है ना। तो आज हम लोग इस कथा को नैमिषारण्य में ही रोकते हैं। कहते हैं एक समय की बात, द्वापर कब की बात है? तो द्वापर युग की समाप्ति हो रही थी और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, और कलयुग को आते देखकर 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए इकट्ठा हो गए। कितने ऋषि मुनि? 88,000। याद रखना, कल प्रश्न करूंगा कहां इकट्ठा हुए हैं, नैमिषारण्य में, है ना। तएकदा तो मुनियः प्रातुरहूत हुताग्नेः सत्कृतं श्रुतमाशीनं पप्रुच्छं माकृता। एक समय की बात, 88,000 ऋषि मुनि कहां इकट्ठा हुए? नैमिषारण्य में। और कलयुग को आते देख करके यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कल बहुत सुंदर यज्ञ का प्रारंभ होगा, बहुत सुंदर हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगद गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आरताय गौर प्रमाणंदे हरि हरि वो। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आप सभी से निवेदन है कि मात्र 10 मिनट और रुक जाइए, 10 मिनट में ट्रेन नहीं छूट जाएगी आप लोग को। श्री राधे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मात्र 10 मिनट बैठिए धैर्य से, और अभी कथा खत्म हो गए
आज के सत्र यही समापन किया गया और हम लोग आरती करेंगे। आरती आरती पहले आरती कर लो फिर ड्रामा। अभी हम लोग आरती करेंगे सब लोग मिल करके। इसके इसके तत्पश्चात मात्र 5 मिनट का ड्रामा है तो हम लोग ड्रामा भी देखेंगे। तो आप लोग से निवेदन है प्रभु जी से, मंटू प्रभु से निवेदन है कि आरती प्लेट सजाएं श्री राधे। तब तक आप लोग जोर से एक बार हमारे बीच हमारे महाराज जी ने बहुत ही सुंदर दिव्य अलौकिक श्रीमद् भागवत की रसपान करा रहे हैं। हमारे महाराज बोले ये कोई अभी बोल रहे थे अभी जस्ट बोले कि ये कोई फल नहीं है और वैसा जूस है, वैसा जूस है आम, ऐसा आम भी होता है तो उसमें बहुत सरस स्वाद होता है लेकिन उसमें गुठली होता है, लेकिन केला भी होता है उसमें भी बीच होता है, लेकिन एक श्रीमद् भागवत एक ऐसा रस है कि इसमें हम लोग डूब जाएंगे, पीते 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 डूब जाएंगे। तो प्रभु जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये कथा सुनाने के लिए। तो एक बार हमारे महाराज जी के लिए सभी लोग दोनों हाथ खड़ा कर करके और भगवान के नाम से सम्मानित करेंगे। भैया सभी लोग हाथ खड़ा कर लीजिए और बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। हो गया प्रभु जी, तब तक कीर्तन करते हैं। आरती की थाली पहले ही तैयार कर लीजिए, तब तक कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सभी से निवेदन है कि पंडाल के बाहर ना बैठे, या फिर लोग के लिए पंडाल लगा है, अगर ये भर जाता पंडाल तो बाहर बैठते चलता, इसका स्वभाव लोग खराब कर रहे हैं, इसके लिए अंदर बैठे सामने बैठिए। माता जी सभी लोग खड़े हो जाइए और आगे आ जाइए, सभी लोग आगे आ जाए, सभी लोग बोलिए भागवत भगवान की। आरती के समय खड़े हो जाते हैं तो माता जी लोग आप लोग इस रेंज में आ जाइए, इस रेंज में बिल्कुल इधर आइए, आप लोग के यहाँ से बॉर्डर है। हरे कृष्णा इधर आइए आप लोग, प्रभु जी आप लोग बिल्कुल आगे आ जाइए, यहाँ पे आइए आइए आइए, शर्म मत कीजिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की,
निगम कल्प फल मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल परमानंद सुधार शिमय कल लीलार तिरस रस निधान गे लीलार तिरस रस निधान हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आप लोग लग रहा है कि दसवां तेरे में आए हैं शाम से। अरे अरे हाथ उठाइए, सभी लोग हाथ उठाइए, सभी लोग हाथ उठाइए और हाथ उठा के बोलिए और दिल में तू श्याम राम की, सभी लोग ताली बजाते हुए, अरे दिल में तू श्याम राम की, अरे अथवा उठा ला, अरे दिल में तू श्याम राम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा कौन आएगा, भगवान आएंगे, कैसे आएंगे, आप लोग ताली बजा के ही लेंगे तब आएंगे। दिल में तू श्याम राम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, दिल में तू कृष्ण राम की
के दे जय जय हरि बोल। नाचते हुए थोड़ा थोड़ा नाचिए किस्मत के ताले खोल दे मेरे गोविंद के हाथ में, किस्मत के ताले खोल दे मेरे गोविंद। देखिए ये संसार में किसी का मजाल नहीं है कि किसी का कि कोई किस्मत के ताला खोल दे। किस्मत का ताला वही खोलेगा तो हमारे कृष्ण खोलेगा, विष्णु खोलेगा, राम खोलेगा, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं खोल सकता है। तो इसलिए आप लोग सभी लोग हाथ उठाइए और बस जैसे जैसे करेंगे वैसे सभी लोग कीजिए। सभी लोग माई चाची वही सभी लोग ऐसे कीजिए। किस्मत के ताले खोल दे मेरे गोविंद के हाथ में, किस्मत के ताले खोल दे मेरे गोविंद के हाथ में। किस्मत के ताले खोल दे, किस्मत 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 के ताले खोल दे, हाथ उठाइए। किस्मत के ताले खोल दे जरा ताली बजा के दे, आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। ओ दिल में तू श्याम राम की, दिल में तू कृष्ण राम की, जरा ज्योति जला के दे। आप लोग आनंद नहीं आ रहा, माता जी आप लोग तो पीछे हो गए, आप लोग आगे आओ और सबको नचाओ। अरे दिल में तू श्याम राम की, देखो कसम खिला देंगे तो नाचना पड़ेगा, इसलिए कसम नहीं धरा रहा, ऐसे ही नाचो सभी लोग। आप लोग भाई अगर भोजपुरी गाना बजेगा यहाँ पे, अगर भोजपुरी बिरहा नाच का प्रोग्राम होगा तब 10 टकिया निकाल के खूब ऐसे ऐसे करोगे, समझ गए? भगवान के कीर्तन भजन में नाचो। सभी लोग हाथ उठाइए, सभी लोग इधर आ जाइए। अरे दिल में तू श्याम राम की, दिल में तू श्याम राम की, मेरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, दिल में तू श्याम राम की, दिल में तू कृष्ण राम की, जरा ज्योति जला के दे। देखिए आप लोग ऐसे नहीं नाचेंगे, आप लोग ऐसे नहीं नाचेंगे, सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए, हम भी नाचेंगे साथ में सभी लोग।
सभी लोग हाथ अरे बाबा हाथवा खड़ा कर लो नहीं तो हाथ एक दिन जल जाएगा फिर कोई काम नहीं आएगा समझ लो कोई हाथ काम नहीं आएगा इसलिए सभी लोग हाथ उठाइए और अरे राम नाम कहा दिन राम नाम कहा दिन रतिया हो ना तो होई दुर्गतिया राम के नाम ले लो नहीं तो इस संसार से जाना है अरे कल युग है हरि राम जगत में अरे कल युग है हरि राम जगत में इसे छोड़ विष पीना क्या देखिए सबको नाचना पड़ेगा सबको नाचना पड़ेगा अमृत है हरि नाम जगत में इसे छोड़ विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या कहो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं ओ काल सदा अपने रस डोले काल सदा अपने रस डोले ना चले कब सर चढ़े बोले काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सर चढ़े बोले ना जाने कब सर चढ़े बोले काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सर चढ़े बोले ना जाने कब सर चढ़े बोले मतलब यही एनर्जी है कल तो एकादशी था तो आप लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे और एक सबसे बड़ी बात क्या है इधर सब फैमिली है सब फैमिली है इधर बेटी देख रही है कि मेरा पापा कहीं देख न ले मैं नाच रहे हैं उधर पापा देख रहे हैं कि मेरे बेटे कहीं देख ले पापा नाच रहे हैं और सास देख रही है कि पतोह न देख ले पतोह सोच रही है कि सास ना ले नाच लेंगे तो जाके उधर गएगा इसलिए सभी लोग हाथ उठाइए सब 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 शरम मत कीजिए जो करे शरम उसका फूट जाए क्या फूट जाए सभी लोग हाथ उठाइए सभी लोग अरे काल सदा अपने रस डोले ना जाने कब सर चढ़े बोले ना जाने कब सर चढ़े बोले महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या जय हो तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों घूमता मारा मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा फिर क्यों घूमता मारा मारा घूमता मारा मारा इस संसार में सबसे बड़ा हरि नाम ही है हरि नाम के अलावा जितना तीरथ करेंगे वो तो ठीक है लेकिन सबका तीरथ का मालिक हरि नाम है हरि नाम है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 भूषण से सब अंग
सजा दे दसना पे हरि नाम मनावे दसना पे हरि नाम मनावे चाहे जितना भी एक मिनट चाहे जितना भी भूषण से भूषण मत आइए आप लोगों के सामने एक मिनट नाटक की तैयारी हो गया है वो लोग आने और आइए देखिए नाटक की तैयारी चलो देखिए जितना भी भूषण से हम लोग अंग सजाए चाहे लाख करोड़ों रुपए के सजा ले नाक कान जितना भी पहन ले लेकिन रसना पे अगर भगवान के नाम नहीं आए तो क्या अरे भूषण से सब अंग सजाए रसना पे हरि नाम मनावे रसना पे हरि नाम मनावे रसना पे हरि नाम मनावे अंदर देह बड़ी रह जाए यहाँ पर देह बड़ी रह जाए यहाँ पर कुंडल और नगीना क्या दोनों था किसी दोनों सभी लोग और जोर से जैसे करेंगे वैसे करना है जैसे करेंगे वैसे करना है प्रभु जी हरि नाम नहीं राधे 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 एक मिनट एक मिनट बार बार खड़ा करा ना हाथ में तो कल जाइएगा ना हरि नाम करने के लिए तो हाथ खड़ा करवा देंगे उधर बस कोई बात नहीं हाथ खड़ा आप लोग के गांव में सही हो जाएंगे कोई बात नहीं हरि नाम नहीं तो जीना क्या 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 हरि नाम नहीं तो नाम है सबसे बोले सब लोग बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आप लोग बैठ जाइए ड्रामा का आनंद लीजिए हरे कृष्णा धन्यवाद देखिए शर्म करने के लिए धन्यवाद अरे भैया हम नहीं कराते समय प्रभु जी बताइए चुपचाप बैठे रहते ड्रामा इस प्रोग्राम कीजिए उस साइड उस साइड उस साइड जितने हमारे ड्रामा के कलाकार लोग हैं वो मंच पे आए श्री राधे राधे एक आप लोग पर्दा का व्यवस्था कीजिए मतलब एक खुद का ड्रामा है अभी कुछ नहीं कर रहा है देखिएगा लास्ट होते होते एक गिर गिर करके खूब डांस करते हैं ऊपर नीचे मतलब गुलटी मार मार के करते हैं अब हम लोगों का रिदम नहीं बटोर रहे गिर जाएंगे हम लोग देखने लगे इनको अब हम बटोर रहे थे अब क्या बट रहे हरि बोल सभी लोग से निवेदन है कि आप लोग आइए हरि कृष्णा तो आप लोग के गांव के बच्ची जो कि आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर आप लोग सामने नाटक प्रस्तुत करेंगे हरे कृष्णा जल्दी से आइए लेट मत कीजिए और एक कोई है प्रभु जी तो यहाँ पर्दा पकड़ने के लिए आ जाए तो अच्छा रहेगा उस साइड 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 अच्छा 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 हरे कृष्णा माइक वाले भाई साहब बाइक वाले भाई साहब माइक हटाइए
जरा ध्यान दीजिएगा। हरे कृष्णा, सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा। मतलब ड्रामा के लिए बहुत जोर से आवाज निकलने लगा, इसे पहले आवाज ही नहीं था लोग में, इस बार देखते हरे कृष्णा। इस बार तो जान से लोग नहीं बोल रहे। आइए सभी लोग इधर आइए। अच्छा ठीक हरि बोल। राधा तथा कृष्ण ने ब्रज में अनेक सुमधुर लीलाएं की, जैसे कि देखो आज फिर से हमारी मटकी टूटी हुई है। यह जरूर उस नटखट कान्हा की ही शरारत है। चलो आज हम सब जाकर उसकी शिकायत यशोदा मैया से करते हैं। हाँ हाँ चलो। यशोदा मैया, यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया, क्या हुआ? देखो आपके कान्हा ने क्या किया है, आज फिर से उसने हमारी मटकी तोड़ी और सारा माखन चुरा लिया। क्या कान्हा ने माखन चुराया? परंतु वह तो प्रातः काल से यही है। कान्हा, अरे ओ कान्हा। हाँ मैया। क्या तूने इनका माखन चुराया? मैंने और इनका माखन चुराया? आपके हाथों से बना स्वादिष्ट माखन छोड़कर मैं क्यों इनका माखन चुराने लगा? नहीं मैया, ये झूठ बोलता है। कल इसने विशाखा की भी मटकी चुराई थी। क्या राधा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कृष्णा, तुम सब तो हमेशा ही मेरे कान्हा की शिकायत करती रहती हो। क्या हमारे घर में माखन की कोई कमी है जो मेरा लाला तुम्हारे हाथों से बना माखन चुराए? ठीक है मैया, अब तो हम तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर ही तेरे पास लाएंगे। इसके पश्चात राधा रानी और सारी गोपियों ने माखन चोर कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने हेतु एक विशेष योजना बनाई। प्रभु
झूठ बोल रही थी? आज तो हमने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ ही लिया, अब पड़ेगी तुम्हें यशोदा मैया से। घंटी देव आज्ञा प्रभु। आज्ञा? मैंने तुमसे कहा था ना बचना मत, तुम बचे क्यों? परंतु प्रभु, शास्त्रों में आप ही ने तो कहा है कि जब भी आपको भोग लगे मेरा बचना आवश्यक है। यशोदा मैया की डांट सुनकर कृष्ण, बलराम तथा सारे गोप अत्यंत निराश थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह गोपियों से इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। कृष्णा, अब हमें माखन नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, हमारी तो चोरी पकड़ी गई ना, उन गोपियों ने तो हमारा बुरा हाल कर दिया। नहीं मित्रों, ऐसा तुमसे किसने कहा, वो रहा हमारा माखन। रुको, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। वो क्यों भला? हम यहाँ के राजा के प्रतिनिधि हैं। हमारे राजा को यह खबर मिली है कि कई लोग बिना कर चुकाए हमारे गांव में स्वयं के गांव का सामान बेच रहे हैं। तो यदि तुम्हें यहाँ से प्रवेश करना है तो तुम्हें यहाँ का कर चुकाना ही पड़ेगा। परंतु हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो तुम्हें यहाँ प्रवेश भी नहीं मिलेगा। परंतु अगर हमें यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा तो हमारे माखन का क्या होगा? माखन? अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो ये माखन कहाँ से आया? माखन? नहीं नहीं, हम तुम्हें माखन नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो हम तुम्हें प्रवेश भी नहीं दे सकते। और उनके सखाओं ने माखन प्राप्त करने की नई योजना बनाई। परंतु उस ओर राधा रानी और उनकी गोपियों ने अपनी अलग ही योजना बना रखी थी। वाह कृष्णा, अब तो हमारे रोज के माखन का प्रबंध हो गया। कृष्णा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मंगल, माखन आता ही होगा। वो रहा माखन। आज तो केवल दो ही गोपियां हैं, परंतु माखन तो काफी सारा दिख रहा है। चलो चलो। सुनो, कर हमें नहीं तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी ही सारी गैया हमारे ब्रज की कोमल घास खाती हैं। और अगर तुम्हें और तुम्हारे सारे मित्रों को इन रस्सियों से छुटकारा पाना है तो तुम्हें संपूर्ण ब्रज में जाकर घोषित करना होगा कि वृंदावन की रानी है श्रीमती राधा। Thank you.
हरिबोल।